दोस्तों रुकिए, कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर, जो कि इस टाइम की YouTube की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये यूट्यूबर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और इसे अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है। और अगर किसी आप अनजान से इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका चैनल भी हैक हो जाए एंड आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की बात दूर की है। तो दोस्तों मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है दोस्तों मैंने अब तक हजारों यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम शेयर किया है। तो दोस्तों आज हमारे पास कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई है और ये चैनल है शिव चर्चा भजन आरती कुमारी करके, और इनका चैनल दोस्तों मोनेटाइज हो चुका था। आप यहां पर देख सकते हैं स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री भी डन हो चुका था, लेकिन स्टेप टू में इनको बाद में एरर आ गया क्योंकि इन्होंने अपने गूगल एडसेंस में छेड़छाड़ किया। तो गूगल एडसेंस अकाउंट इनका मैं दिखा देता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं इनका गूगल एडसेंस अकाउंट है गेटिंग योर एडसेंस अकाउंट रेडी फॉर यूट्यूब, और यहां पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, इनका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है और यहाँ पर इनको मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर आ गया। दोस्तों इनकी प्रॉब्लम तो मैं खुद सॉल्व करूंगा क्योंकि इन्होंने टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर अपनी प्रॉब्लम शेयर किया था। साथ ही दोस्तों इनके प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो भी मैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप भी इस वीडियो की मदद से अपनी मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिर भी दोस्तों अगर आपसे आपके चैनल की मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इनकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल का जो अर्न पेज है आप देख सकते हैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम जो है कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एडसेंस चैनल के जीमेल से बना होगा वो एडसेंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा एडसेंस यहाँ पर ओपन हो रहा है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों Google AdSense अकाउंट ओपन हो रहा है और यहाँ पर सारी डिटेल्स जो इन्होंने फिल करके रखा है, और यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं AdSense फॉर YouTube के सेक्शन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटिंग योर AdSense अकाउंट रेडी फॉर YouTube, और यहाँ पर आपको एक मैसेज शो कर रहा है योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड। मतलब दोस्तों इन्होंने जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक किया था वो अप्रूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आ गया है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि हम इस गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो जो हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और हमारा स्क्रीन पर जो है क्लोज करने का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लोजिंग योर अकाउंट, और यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, एडसेंस और एडसेंस फॉर यूट्यूब दोनों को हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम क्लोज माई अकाउंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को सक्सेसफुली क्लोज कर चुके हैं, बस इतना काम हमको करना है। और अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम चेंज एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने चैनल के जीमेल से जो एडसेंस अकाउंट बनाया था वो हमने क्लोज कर दिया है। अब हम चेंज एसोसिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको प्रोसेस क्या क्या करना है। वेरीफाई दैट इट्स यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो है आपके मोबाइल पर टू स्टेप वेरीफिकेशन कोड भेजेगा, ठीक है, तो वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो 10 कोड है, 10 कोड मैं मोबाइल पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कोड जैसे आप मोबाइल पर अपने इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर स्टेप टू यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा जो कि है एस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और दूसरा है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तीसरा है आई डोंट नो। दोस्तों यदि आपके पास कोई गूगल एडसेंस अकाउंट पहले से है वो अप्रूव है, एक्टिव है, अगर आप उसी एडसेंस अकाउंट को चैनल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आपके पास कोई गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है, आप एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर चैनल के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों ऑलरेडी हमने अपने चैनल के जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखा था तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर यूज अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों कोई दूसरा जीमेल आईडी भी नहीं डालेंगे, हम एक नया फ्रेश जीमेल आईडी बनाएंगे और उसी से गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना जीमेल का यूजर नेम यहाँ पर डालना है, उसके बाद दो बार पासवर्ड सेम डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर वेरीफाइंग योर फोन नंबर का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए फोन नंबर डाल देते हैं। यहाँ दोस्तों फोन नंबर पर OTP भेजा जाएगा, वो OTP कोड यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हम OTP कोड डालने के बाद वेरीफाई पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो डेट ऑफ बर्थ डालने का पेज आएगा, हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, हम यहाँ पर जेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद SIM पे क्लिक कर देंगे हम। उसके बाद दोस्तों प्राइवेसी एंड टर्म्स का पेज आ जाएगा, नीचे आएंगे आई एग्री पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे मैं बताते चल रहा हूँ बस आपको यही स्टेप फॉलो करना है, आपका मोडाइजेशन स्टेप 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका मोडाइजेशन स्टेप 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दोस्तों हम यहाँ पर जो है नो आई डोंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सही सही सिलेक्ट करना है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं इंडिया का जो है यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया मेरा मिल गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ पर फिर से हमको जो है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, हम इसको एस कर देंगे और क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये हमको गूगल एडसेंस अकाउंट के पेज पर ले जाएगा, जहां पर हमको कस्टमर इन्फॉर्मेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज को हमको सही से फिल करना है, जैसे कि हमारा जो नेम है और जो हमारा एड्रेस है, जहां पर हमारा पिन आएगा वो एड्रेस डालना है, और यहां पर पोस्टल कोड और यहां पर जो है स्टेट और मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर डालकर सबमिट कर देना है। तो चलिए इस भी फॉर्म को हम जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर देगा हमको हमारे चैनल के पेज पर। तो थोड़ा सा हमको वेट कर लेना है और बस जो है दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन स्टेप 2 सॉल्व हो जाएगा, जो एरर है वहाँ से हट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे चैनल पर रीडायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो हमारे मोनेटाइजेशन स्टेप 2 है दोस्तों अभी एरर शो कर रहा है, लेकिन कुछ ही क्षण में ये जो है इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन स्टेप 2 इन प्रोग्रेस में जा चुका है। अब बस दोस्तों आपको वेट करना है और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। गूगल एडसेंस में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन सही सही फिल किया है तो जो गूगल एडसेंस की टीम है वो आपके एडसेंस को अप्रूव कर देगी। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन स्टेप 2 यहाँ पर डन हो जाएगा। दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेप 2 डन हुआ कि नहीं। दोस्तों इस टाइम स्टेप 2 डन होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो ये वीडियो मुझे आज ही अपलोड करनी है तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन 100% मैं आपको गारंटी देता हूं इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनके चैनल की प्रॉब्लम सॉल्व की है। दोस्तों अगर आपके भी YouTube चैनल पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मोनेटाइजेशन स्टेप 2 एरर से, अगर आप परेशान हो चुके हैं सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे Instagram पर जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम पूरी 100% सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।